हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं टू व्हीलर टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज हम ये एग्जॉस्ट इसमें डालने वाले हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो उससे पहले हम इसकी जो जेन्युइन साउंड है वो देखते हैं पहले कैसी है, फिर मैं आपको एग्जॉस्ट चेंज करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो जेन्युइन आवाज़ है वो आपने सुनी। अब मैं एग्जॉस्ट चेंज करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें ये एयर फिल्टर खोलना होगा। तो चलिए हम एयर फिल्टर खोल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी बात ये है, ये एयर फिल्टर जो है इसका, ये बाहरी है, हमें इसके लिए कुछ खोलना नहीं पड़ता, डिग्गी वगैरह। तो ये बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूं, ये इसका जेन्युइन एयर फिल्टर है और ये हम यहाँ पे फिट करेंगे एग्जॉस्ट, यहाँ। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आपको ऐसे ही इसको फिट करके दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं, जो परमानेंटली इसको फिट करना है तो यहाँ पे ये क्लंप टाइट होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने फिट कर लिया यहाँ पे। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने सुनी इसकी ये साउंड, पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, काफ़ी साउंड इसकी वैसी हो गई। तो मैं आपको बता दूं, ये आप जो ये इसका एयर फिल्टर का कवर है, ये आप लगाना चाहेंगे तो ये भी लग जाएगा, पर इसको आप लगाएंगे तो प्रॉपर इतनी साउंड नहीं आएगी जितनी ओपन में साउंड आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसको लगाएंगे आप, फिर भी ये लग जाएगा, पर इससे कोई यही है कि प्रॉपर उतनी साउंड नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। तो जो आप इसको ओपन में रखेंगे तो काफ़ी साउंड आएगी, पर ओपन में ये होता है कि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी इसके अंदर घुस जाती है। तो मैं आपको बता दूं, आपको अच्छी क्वालिटी का ही एक एग्जॉस्ट यूज करना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।